हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस इज नीरज सांगवान। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल बढ़िया। और आज ये एक व्लॉग नहीं, आज होने वाले है कि ये रिव्यू, जो कि हमने कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था उसका रिव्यू करने वाले हैं। और आप इस वीडियो में बने रहे, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है कि आप 250 रुपए में आप ब्रांड न्यू एक आईपैड खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्कूटर टॉक्सोमो का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका नाम है कू 3000 ओआ इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इस स्कूटर का आज रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई सामने से बात शुरुआत करते हैं स्कूटर की चाबी से। स्कूटर की चाबी भाई ऐसी है, ये देखो, ये अनलॉक का, ये लॉक का। और ये जब मतलब स्कूटर दूर खड़ा हो ना, यदि आपको दिख नहीं रहा तो उसके लिए अलर्ट सिस्टम, ये देखो ऐसे करता रहेगा। और इसको लॉक कर देते हैं और फिर ये आ जाता है स्टार्टिंग में। ये इससे स्टार्ट भी होता है स्कूटर, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्टार्ट हो गया ना स्टार्ट। अभी पार्किंग में है और रेस देने पे कुछ नहीं होगा। और यदि यहाँ से पार्किंग हटा दूंगा ना तो रेस देते ही भाग लेगा ये। तो आपको लाइट देखने को मिल जाती है LED, जो कि BMW की जो 1250 आती है ना GS से, सेम की सेम लाइट है। और इसका डे और नाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको DRLs। और ये है इंडिकेटर, जो कि सारे के सारे LED हैं। इस साइड भी DRL LED है। अब बात करते हैं इसकी टायर्स की। टायर का साइज इसका 1990-12, जो कि और स्कूटरों से बहुत ऊंचा होता है। और सामने को देखने को मिल जाते हैं आपको अलॉय और ये डिस्क ब्रेक, और पीछे वाला भी सेम ही ऐसा है। अब बात करते हैं इसके मीटर की। अभी लगा हुआ पार्किंग में, आपको सामने जो मीटर है ये मिल जाता है डिजिटल। इसमें बैटरी है जिसकी रेंज होती है 135 किलोमीटर तक ये चल सकता है। और अभी हमने बिल्कुल नहीं चलाया, थोड़ा ही चलाया, तो ये पे 0-0 आया हुआ है। यहाँ पे आपकी स्पीड आती है, जो कि स्पीड इसकी 25, कंपनी 25 दिखाती है, वैसे 65 तक चला जाता है ये। 4 गियर देखने को मिलते हैं इसके। और इस साइड से आप अपनी लाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, ये इंडिकेटर्स के लिए। और ये अपना हॉर्न हो गया, इससे आपके पार्किंग इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। इस साइड से लाइट, ये पार्किंग हटाने के लिए, लगाने के लिए। अब देखो पार्किंग में लगा रखा ना हमने, तो इसकी रेस कितनी दे लो, भागेगा नहीं बिल्कुल भी। और पार्किंग में हटाने के बाद रेस देते ही भाग लेगा ये। और ये इसके गियर चेंज करने के लिए हैं, तो यहाँ से इसके गियर चेंज होते हैं। नीचे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे USB चार्जर, यहाँ पे आपको मिल जाती है डिगी, यहाँ पे आपको सामान टांगने के लिए। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन चार्जर वगैरह कुछ भी रख सकते हो, छोटा सामान ही डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाती है बंद। और अब यहाँ पे मिल जाती है आपको एक चौड़ी ही सीट, जहाँ पे दो बंदे इजिली आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे टॉक्समो की बैजिंग। और इस स्कूटर में सबसे मेरे को कूल फीचर लगता है ये, जो कि साइड में पैर रखने के लिए होते हैं पीछे बंदे के लिए। ये देखो वन टच है सिस्टम, और आराम से टच किया बंद हो गया। और ये वो देखो ऑन, एक थोड़ा अंदर दबाना पड़ता है, तो इसको कर देते हैं बंद। दोनों साइड ऐसे सेम का सेम फीचर है। और आप पीछे आते हैं, इसकी बात करते हैं लाइट। ये लाइट आपको LED में देखने को मिल जाती है, जो कि लाल चस्ती है। ये इंडिकेटर आगे, ये भी LED में। ये साइड में रिफ्लेक्टर है इसमें। और यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एक लाइट। और नीचे लिख रखा है इसका टॉक्समो का नाम, इसके नंबर नहीं होते बिल्कुल भी। और इस साइड मिल जाता है आपको शायद ये चैन सिस्टम। और ये हो गया इसका, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क ब्रेक की वायर। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस के लिए आपको एक बार प्रेस करना पड़ता है, इस साइड घुमाना पड़ता है सिर्फ, और फिर ये जाती है खुल। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे मेनली आप एक बाइक का हेलमेट रख सकते हो। और यहाँ से ऐसे उठाने से यहाँ पे दिख जाएंगे आपको बैटरी, जो कि 6 बैटरी इसमें, और लिथियम की बैटरी है, और वाटर प्रूफ है ये सारी की सारी। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अब मैंने यहाँ से बंद कर दिया ना, तो ये देखो ऑन है, ये ऑन नहीं होगी बिल्कुल भी, अभी नहीं ये चल पाएगी, देखो। और फिर यहाँ से MC ऑन करनी पड़ेगी मेरे को। ये देखो पावर आ गई इसमें। ये कूल फीचर, मतलब कुछ भी कल को इसमें दिक्कत हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक MC गिर जाएगी। इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है Anti-Theft सिस्टम, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से मैंने जैसे इसको लॉक कर दिया, और यदि इस पर मैं टच करूँगा ना, ये देखो ये ऐसे करने लग जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूटर के साथ कोई बकवास कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको लॉक कर दूंगा वापस। और यदि इसमें चाबी नहीं है, इससे ये यहाँ से लॉक करना पड़ता है इसको पहले। और यदि देखो यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आपको, और ये देखो चाबी लगने लगेगी, करेगा लॉक कर दिया, अब नहीं करेगा बिल्कुल भी, फिर कर रहा है भैया। अभी नूब है हम, थोड़ा इसके बारे में हमने समझा नहीं है, बट अब नहीं करना चाहिए, करेगा भाई, लॉक कर देता हूँ।
अब नहीं करेगा ये। अब देखो अनलॉक वाला बटन दबाना पड़ता आपको, आप देखो बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं तो टच करने पे करने स्टार्ट हो जाता था। अब बात करते हैं कैसे आप एक ब्रांड न्यू आईपैड जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में। इसके लिए आपको 15 अप्रैल से पहले पहले रजिस्टर करना होगा दी गई स्क्रीन पे वेबसाइट पे, और उसके बाद इसके होंगे 3 स्टेप्स, जिसमें पहला होगा रजिस्टर का, दूसरा होगा क्रिएट का, और तीसरा होगा अपलोड का। तो आप ये 3 स्टेप्स करके जीत सकते हैं ब्रांड न्यू आईपैड, वो भी और सिर्फ 250 रुपए में। और बाकी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे, जो कि स्क्रीन पे भी आ रही थी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं और जीत सकते हैं 250 रुपए में अपना एक आईपैड, जो कि आता है 80-90 हज़ार में, वो सिर्फ आप 250 रुपए में जीत सकते हैं। और दूसरी बात, आपको 30 मई तक आपका इनाम मिल जाएगा। इस स्कूटर की कैपेसिटी 160 किलो तक है, बट भाई हमने इसको ट्राई किया था, मैं और धीरज दोनों बैठे गए थे इस पे, आराम से चला गया था ना ये, बिल्कुल आराम से चला गया था, और बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती, मतलब 50 की स्पीड तक फिर भी चला गया था। और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो, ये बताना भूल गया था मैं फीचर, यहाँ पे आप चार्जर, इसके चार्जर लगता है आपको दिख रहा है ये ना। और इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं भाई, इसमें बैटरी ज़्यादा होने के कारण पीछे से तो हो गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैवी, आप से उठता भी नहीं, देख लो मेरे से तो नहीं उठ रहा, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। बट आगे इसके बिल्कुल वेट नहीं है, मतलब जब ये सड़क ऐसी सड़क आती है ना, थोड़ा खड्डे जैसे ये खड्डे आ जाते हैं इसमें सड़क में, तो ये बजना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ये वाला पत्थर है ना, ये थोड़ा हल्का है इसका, और तो बिल्कुल स्ट्रांग है ये सारा का सारा। और यहाँ से आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 360 है, देखो कंप्लीट ऐसे घूम जाते हैं इसके, बट घुमाने नहीं चाहिए, मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए घुमा दिया। और ये हो गया इसका रिव्यू भाई पूरा का पूरा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।